हाथ पे बहुत ही ज्यादा कीड़े लग गए हैं। तो देखिए हम लोगों ने आँख वाले कीड़े को निकाल दिया काट के एक ही बार में। आगे हमारा चिमटी और ये रेड वाले कीड़े को पकड़ेगा और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से निकालेगा इसको एक एक करके। और ये दूसरे वाले रेड को पकड़ा और इसको भी देखिए सेफ तरीके से निकाल चुका है। अब ये तीसरे वाले कीड़े को पकड़ा और इसको भी देखिए सेफ तरीके से फेंक चुका है बहुत ही औसम और लुक तरीके से। आ गया हमारा छोटा वाला चाकू, ये भी आई वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है काट के पूरा का पूरा। आ गया हमारा हैंड वाला चाकू, और ये देखिए हैंड वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। और ये देखिए कुछ टाइप ऑफ ओबी वाले कीड़े थे जो कि ये भी कट के निकल चुके हैं एक ही बार में। और ये कुछ देखिए ट्राइपोबोबिया वाले, ये भी ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि अभी कट चुके हैं। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े हैं जो कि अभी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। अभी हम लोग मस्तिष्क वाले कीड़े को निकालेंगे। तो देखिए मस्तिष्क वाले कीड़े एक ही बार में कट के निकल चुके हैं। और ये ट्राइपोपोबिया वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के निकले। और ये कुछ कीड़े थे जो कि खतरनाक होते हैं हैंड पे लगने की वजह से। तो देखिए हम लोग पूरा का पूरा डीप क्लीन करेंगे इसके पूरे ही हैंड का। आगे हमारा बड़ा वाला चाकू, और देखिए इस वाले ट्राइपोबोबिया को इसको भी निकाल दिया है पूरा का पूरा काट के एक ही बार में रिमूव किया। और ये देखिए फिंगर्स वाले कीड़े को भी बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाल चुका है। आगे हमारा दवा, तो देखिए होल हो गए थे इसके पूरे ही हैंड पे। और देखिए हमारा दवा भी लगा के चला गया। आगे हमारा कॉटन वुल्डी, अब हम लोग इस पर एक टाइमर चलाएंगे जो कि देखेंगे ये ठीक तरीके से फिनिश हुआ कि नहीं। तो देखिए टाइमर चल चुका है और देखिए बहुत ही ऑसम और लुक तरीके से हम लोगों ने पूरे ही हैंड का ट्रीटमेंट एनिमेशन कर दिया है बहुत ही डीप क्लीन के साथ। आज हम करेंगे हैंड का ट्रीटमेंट। तो देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को काट दिए हम लोग। और अभी ये आँख वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा चिमटी, तो देखिए बहुत ही सेफ तरीके से कीड़े को रिमूव कर रहा है हमारा चिमटी। और इस वाले कीड़े को भी रिमूव किया। और ये लास्ट वाला कीड़ा, ये भी गिर चुका है बहुत ही औसम और सेफ तरीके से हमारे ट्रीटमेंट हो चुका है। और ये बड़ा वाला बहुत ही ज़्यादा कीड़ा था वो भी रिमूव हुआ। अभी कुछ मैंगोस हैं। तो देखिए चाकू के माध्यम से ये भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। आगे हमारा दूसरा पतला चाकू, और ये घिनौने टाइप कीड़े को काट के गिरा दिया पूरा का पूरा। आ गया हमारा हैंड वाला चाकू। और ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कीड़े थे वो भी गिर चुके हैं। आ गया रेतीला वाला चाकू हमारा काटेगा फंगल वाले कीड़े को।
और देखिए फंगल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया एक ही बार में। आ गया दूसरा चाकू हमारा। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि केचुए वाले कीड़े थे, वो भी रिमूव हुए। तो देखिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अभी थोड़े बहुत कीड़े बचे हुए हैं। तो देखिए हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी कुछ कीड़े और बचे हैं। और अभी ये अब बहुत ही खतरनाक वाला कीड़ा बच गया है, इसको हम स्प्रे से साफ करेंगे। तो ये जगह स्प्रे का दवा मार दी हम लोग और दूसरी जगह भी दवाई पड़ चुकी है। अब हम लोग इसको कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमें कम बैक दोस्तों। जैसा आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही हैंड पे लग चुके हैं कीड़े और पूरे हैंड को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा घिनौने टाइप के कीड़े लग चुके हैं, इसके पूरे हैंड पे हम लोग पूरा का पूरा क्लीन करेंगे। और ये देखिए ब्लैक वाले कीड़े लग चुके हैं, इसको भी रिमूव किए हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से। और ये देखिए कुछ मुंह वाले कीड़े हैं, ये भी रिमूव हो चुके हैं ऑसम तरीके से। और ये हमारा चला भी गया, आगे हमारा दूसरा चाकू। और ये देखिए बहुत ही ऑसम तरीके से हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया पूरा फुल। और आगे दूसरा हमारा चाकू। और ये भी घिनौने टाइप का कीड़ा था, ये भी रिमूव हो चुका है बहुत ही ऑसम और लुक तरीके से। आगे हमारा क्रोमा वाला चाकू। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने काटा इसको पूरे के पूरे कीड़े को। और ये हमारा पतला वाला चाकू जो कि बहुत ही सेफ तरीके से काटा कुछ कीड़े को एक ही बार में। आगे हमारा हैंड वाला चाकू। तो हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट करता है पूरा फुल। और आ गया दूसरा चाकू हमारा। और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्राइफोफोबिया वाले वायरस को काट के गिरा चुका है एक ही बार में। और ये मैंगोट्स वाले कुछ कीड़े हैं जो कि लग चुके हैं पूरे के पूरे हैंड पे ही। और आगे हमारे स्प्रे का दवा, हम लोग एक जगह दवाई मार चुके हैं दूसरी जगह भी। तो देखिए दूसरी जगह भी हम लोग ने बहुत ही सेफ तरीके से इसका दवा मार दिया है। अब हमारा आ गया कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। तो लगे हैं बहुत ही तगड़े वाले कीड़े और देखिए हम चिमटी के माध्यम से बहुत ही सेफ और बढ़िया तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर से हमारे चिमटी ने पकड़ा इस कीड़े को। देखिए केचुए वाला कीड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हम सबको बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव करेंगे और इसके हैंड का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा बहुत सारे वायरस को। आगे हमारा दूसरा चाकू। और ये हमारा गिणासा वाला चाकू बहुत ही ऑसम तरीके से काट के चला गया कुछ कीड़े को।
और ये हमारा चाकू बहुत ही धार वाला चाकू था, जो कि ये भी बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया। और ये कुछ ट्राइफोफोबिया वाले वायरस थे। और देखिए इसका हाथ बहुत ही ज़्यादा घिनौना दिख रहा है। तो देखिए हैंड वाले चाकू ने हमारा बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े को निकाल दिया है बहुत ही औसम तरीके से। और ये भी घिनौने टाइप का कीड़ा ये भी रिमूव हो चुका है। और आ गया गोल्डन वाला चाकू हमारा। और ये बहुत ही स्लोली स्लोली से काट के चला गया बहुत ही औसम तरीके से। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी बिलबिलाते हुए निकल चुके हैं पूरे के पूरे। ये लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ था तो ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है बहुत ही औसम तरीके से। हम लोग ने दवाई डाल देते हैं, तो देखिए एक जगह दवाई पड़ चुकी है और दूसरी जगह भी दवा पड़ चुकी है बहुत ही औसम और लुक तरीके से। आ गया हमारा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो आप लोग देख सकते हो हैंड पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगे हैं। तो देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से रिमूव कर रहे हैं। ये ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पूरे हैंड में लग गए हैं। और देखिए हम लोग चिमटी से पकड़ें और देखिए रिमूव कर चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये हमारे चिमटी का काम ख़त्म हो चुका, बड़ा वाला चाकू आया। और ये बड़े वाले घवद वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल चुका है। और ये हैंड पे कुछ घिनौने टाइप के कीड़े लग गए थे जो कि हम लोगों ने इसको भी रिमूव कर दिए हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी कुछ कुछ कीड़े घिनौने टाइप के थे जो कि हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, हैंड वाला चाकू हमारा आया। और देखिए बहुत ही औसम तरीके से रिमूव कर चुका है, कार्ड की पूरा निकाल दिया है। और ये कांटेदार वाले कीड़े थे जो कि हाथ में लग गए थे, उसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। ये भी कुछ कीड़े बहुत ही ज़्यादा घिनौने टाइप के थे जो कि हम लोगों ने रिमूव कर दिया है चाकू के माध्यम से। अभी देखिए हमारा हैंड वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल दिया है। और ये हमारा क्रोम वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाला कुछ कीड़े को। और ये जुरासिक वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। आगे हमारा पत्थर वाला चाकू। ये भी होल वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल चुका है।
और ये हाथ पे लगे घिनौने टाइप के कीड़े इसको भी निकाल चुका है बहुत ही सेफ और औसम तरीके से। और हमारा बेलचा था जो कि ब्लैक वाले कीड़े को काट के रिमूव किया। और देखिए ये फंगल थे जो कि रिमूव हो चुके हैं। हम लोग दवा लगा देते हैं इसके पूरे ही हैंड पे। तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से, हम लोगों ने दवा भी लगा दिया है तो हमारा कॉटन वूल रुई आएगा। और देखिए टाइमर भी चलने लगा है, तो टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, हैंड का ट्रीटमेंट हुआ होगा कि देखिए पूरे ही हैंड पे लगे हैं कीड़े, हम लोग रिमूव करेंगे। आज इसका हम लोग फुल ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए उंगली पे लगे हैं कीड़े। और देखिए उंगली पे लगे हुए वायरस को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, देखिए हमारे चाकू के माध्यम से हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाले कुछ कीड़े को। और ये फिंगर्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने सेफ तरीके से काट के निकाल दिया है पूरा का पूरा। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू, और ये छोटे छोटे बीन्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं बहुत ही औसम और लुक तरीके से। और देखिए अभी मैंगोस वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। आगे हमारा हैंड वाला चाकू, और ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना टाइप का दिख रहा था कीड़ा जो कि इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है सेफ तरीके से। और ये भी देखिए घिनौना टाइप का कीड़ा था जो कि ये भी निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। और ये पूरा का पूरा मैंगोर से भरा हुआ था इसका हैंड, उसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है। गोल्डन वाला चाकू आया हमारा। और ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया है, अभी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े हैं। देखिए बहुत ही औसम और लुक तरीके से कट के निकल चुके हैं पूरे के पूरे। आगे पत्थर वाला चाकू हमारा, और ये रेड टाइप का ग्रीनर टाइप का कीड़ा था जो कि अभी निकल चुका है, अभी ये कुछ कीड़े बचे हैं। और ये भी देखिए काफ़ी सेफ तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया है। और ये देखिए हमारा दवा लग चुका है, और दूसरी जगह भी हम लोगों ने दवा लगा दिया है बहुत ही औसम तरीके से। और आगे हमारा कॉटन वूल रुई, तो कि टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। ये हैंड पे लग गए हैं कीड़े, हम रिमूव करेंगे आज। तो हमारा पतला वाला चाकू फिंगर्स वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये भी फिंगर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। और ये जख्म वाले कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं सेफ तरीके से।
तो देखिए फिंगर्स पे लगे थे बहुत ही पिंपल्स, उसको हम लोगों ने निकाला काट के। और अभी ये हैंड पे लग चुके हैं कीड़े, जो कि हम लोग रिमूव कर देंगे पूरे के पूरे कीड़े को। तो फाइनली देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोगों ने रिमूव किया। और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये बीन्स वाले कीड़े को भी हम लोगों ने रिमूव किया। और देखिए हैंड पे बहुत सारे कीड़े थे वो भी रिमूव हुए। और ये रेड वाले किनारे टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है, अभी थोड़े बहुत कीड़े बचे हैं। और ये होल वाले भी कीड़े रिमूव हो चुके हैं। तो आ गया हमारा दवा। तो देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरी की पूरी। और आ गया हमारा कॉटन वूल रोई, तो टाइमर हम लोग चल दे देते हैं। तो फाइनली टाइमर चल चुका है, अभी देखिए 3, 2, 1, 0। तो देखिए